पंचायत चुनावों की रणभेरी बजने से पहले ही हरियाणा सरकार में गठबंधन के रूप में शामिल जेजेपी ने चुनावों के लिए कमर कस ली है। हल्का स्तर पर पंचायत चुनाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए जेजेपी ने अपने प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। रविवार को इसी कड़ी में जेजेपी के पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक संजय कबलाना और पार्टी के चुनाव प्रभारी दलवीर धनखड़ ने संयुक्त रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव को लेकर फीडबैक लिया गया। जो पार्टी ने हमारे को जिम्मेवारी दी है, फिलहाल आदरणीय दलवीर धनखड़ जी हैं जिनको बादली हल्के का प्रभारी बनाया है और जज्जर की जिम्मेवारी स्वयं मेरे को दी है पार्टी ने, उसी को लेकर के आज दोनों हलकों की मीटिंग थी पंचायती चुनाव को लेकर के और संगठन को लेकर के भी आज सारी चर्चाएं मीटिंग में हुई। जो पंचायती चुनाव आज हमारे बीच में आने जा रहा है उसको लेकर के भी चुनाव सिंबल पर लड़ा जाए या सिंबल पर नहीं लड़ा जाए या भाईचारे का चुनाव रखा जाए, किस तरीके से चुनाव को मजबूती से लड़ा जाए और इस चुनाव को जीतने का काम किस तरीके से किया, इसी को लेकर के आज दोनों बादली और जज्जर हल्के की मीटिंग साझा थी। चुनाव की तैयारियां कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो हमेशा एक्शन मोड में रहती हैं, तो जिस तरह से पंचायत के चुनाव की बातें आप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कानून प्रक्रिया जो चल रही है वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो सरकार बहुत जल्दी चुनाव चाहती है क्योंकि विकास का काम जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाते तो छोटे सतर पर दिक्कतें आती हैं। जब तक आपके नुमाइंदे वहाँ ना हो, पंच सरपंच ब्लॉक समिति जिला परिषद, उनकी तैयारियों के लिए सरकार बिल्कुल तैयार बैठी हुई है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर हमारे यहाँ से जीत के जाएँ। जो हमारी सरकार में मंत्री पद भी हमारे पास है, पंचायती मंत्री पद भी हमारे पास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाएं, काम करें। आने वाले टाइम में जिस तरह से आप करें बिल्कुल आप ठीक है, ये सेमी फाइनल की